थाना शमशाबाद क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने चोरी, डकैती और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्य गैंग के 9 अभियुक्तों सहित लगभग 50 लाख के आभूषण, माल और कुछ कैश बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त पुलिस टीम के गुटवर का खुलासा SP बेस्ट रवि कुमार और SP ईस्ट प्रमोद कुमार ने संयुक्त रूप से किया। देखिए, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये 29 दिसंबर 2019 को एक थाना शमशाबाद क्षेत्र में ज्वेलर के दुकान में चोरी हुई थी, उसके संबंध में बुलाई गई है। इस घटना का काफी बढ़िया से थाना शमशाबाद की पुलिस ने और हमारी जो है जिले की SOG टीम ने, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद और SP पुरी साहब के निर्देशन में सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया है। लेकिन साथ ही साथ इस घटना के अनावरण के साथ ही काफी आश्चर्यजनक तथ्य भी सामने प्रकाश में आए हैं। ये जो गैंग वर्कआउट किया गया है, इसमें कुल 9 लोग हैं, जिसमें 2 मुख्य किरदार हैं, एक भगवान सिंह है और एक दूसरा करतार है। ये लोग इतने बड़े स्तर पे चोरियां करते हैं और चोरियां, डकैती, लूट की घटनाएं और गृह भेदन की घटनाएं करते हैं कि इन्होंने खुद इसका काउंट भूल गए हैं कि इन्होंने अब तक कितनी घटनाएं की। अभी तक जो इस PC में जितनी अभी तक हम लोगों की पूछताछ हुई है, जितनी जानकारी हुई है और बरामदगी के हिसाब से कुल 36 घटनाओं का अनावरण हुआ है। साथ ही साथ अभी और पूछताछ की जाएगी, आसपास के जनपदों को भी बता दिया गया है और संभवतः ये 100 से ज्यादा चोरियां, लूट, डकैती जैसे अपराध कर चुके हैं और काफी गंभीर किस्म के और काफी खुर्राट ये अंतर्राज्यीय गैंग है जिसका खुलासा किया गया है। इस गैंग के सरगना भगवान सिंह और करतार सिंह बताए गए हैं। पकड़े गए साथियों से पूछताछ में सामने आया है कि इस गैंग ने अब तक अलग अलग इलाकों में लगभग 50 चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया है। लगभग 50 लाख के माल के साथ गैंग के 9 लोगों को पकड़ने पर पुलिस प्रशासन खुश है, लेकिन गैंग के 3 लोग अभी फरार है। उनमें से 2-3 लोग जो है लीडर है इसके, एक का नाम है करतार, ये भगवान और सुरेश, और एक इसमें रकी करने वाला था, उसका नाम है वीरेंद्र। ये वीरेंद्र ही हमेशा पहले जाके रकी कर लेता था। मोस्टली ये लोग टारगेट करते थे जो बाजारों की दुकानों, ज्वेलर्स की दुकानें होती, उनको देखते थे, एक दो दिन पहले जाके देख लेता था वीरेंद्र। इनके पास एक गाड़ी थी बोलेरो, उसके थ्रू जाते थे ये रात में, और दुकान में जाके इनके पास विभिन्न प्रकार के जो औजार मिले हैं उससे ताला काटते थे, छत से कूद के भी जाते थे और ज्वेलर्स की दुकानों को ज़्यादा टारगेट करते थे। अभी तक की जो घटनाएं हैं उसमें हमारे जो शमशाबाद में ज्वेलर्स की दुकान है और किनहाट में भी है, घरों में भी इन्होंने चोरी करी है। चोरी करने के बाद ये लोग जनपद में नहीं रुकते थे, मुरैना या धौलपुर में चले जाते थे, वहां जाके अपना सामान का बंटवारा करते थे और जो जो गैंग मेंबर उस टाइम पे जो चोरी में आते थे उनको सामान बांटा जाता। MP से संबंध ये है कि इनमें जो 3 मेंबर अभी जो हमें नहीं पकड़े गए हैं वो मुरैना के रहने वाले हैं, उनको हम लोग भी देख रहे हैं। उनके नाम है नोना, मजनू और उत्तम, उनको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उनको भी पकड़ेंगे। और जो बरामदगी है, अभी तक जो बरामदगी अगर मैं बताऊं तो लगभग 30 किलो के आसपास चांदी है, जिसका मूल्य 15 लाख के आसपास जो बैठेगा, 150 ग्राम हमारा सोना है, 84,000 रुपये कैश है। साथ ही साथ इनके पास तमंचे मिले, 3 देसी तमंचे, 315 बोर के, 8 जिंदा कारतूस और शटर और दुकान काटने के जो यंत्र होते हैं वो मिले हैं। और इन्होंने एक घर से शायद एक वहाँ से 12 बोरे जो है टाट और 12 कार्टून लौंग का मसाला, उसकी वैल्यू भी लगभग 10 लाख के आसपास है, और 6 कार्टून इलायची जो ली है उसकी वैल्यू भी लगभग 5 से 10 लाख के बीच में है। ये इन्होंने चोरी करी थी जो हमने बरामद किया है। अभी इनके जो बाकी गैंग मेंबर है उनको हम लोग अरेस्ट करेंगे और हो सकता है उनके पास से ही बरामदगी हो। जैसा कि SP पश्चिमी साहब ने बताया, ये गैंग बहुत बड़ा है, अंतर राज्यीय है और इनके पास से बरामदगी और ज्यादा हो। पकड़े गए अभियुक्तों से भारी मात्रा में पीली धातु, सफेद धातु के जेवरात, सभी धातुओं की छोटी बड़ी सिल्ली, एक मोटरसाइकिल, 2 अदद बुलेरो कार, 3 देसी तमंचे, 315 बोर में, 8 जिंदा कारतूस, शटर काटने के यंत्र, 12 कार्टून में भरी लौंग मसाला, 8 कार्टून में भरी बड़ी इलायची बरामद करने में सफल टीम को IG महोदय ने 50,000 इनाम देने की घोषणा की है। इस घटनाक्रम का जो ये गैंग पकड़ा गया है, ये काफी अच्छा गैंग है, काफी बड़ा गैंग है, अंतर्राज्यीय गैंग है। इस गैंग के पंजीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और इन सारे साथ ही साथ 14 की कार्रवाई करके इनकी संपत्ति भी जब्तीकरण किया जाएगा। और इस अच्छे गुडवर्क के लिए हमारे IG महोदय ने, उन्होंने 50,000 का इनाम पूरी टीम को देने की घोषणा की है और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। संयुक्त पुलिस टीम ने गैंग के 9 व्यक्तियों सहित भारी संख्या में लगभग 50 लाख रुपए का माल बरामद कर गुडवर का परिचय देकर लुटेरों की नाक में नकेल डालने का काम किया है। 7 इंडिया न्यूज के लिए विकास सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।